गस्तर तृतीय दिन में जर्मानी यूएई पहुंचले प्रधानमंत्री। इस्लामिक देश सहित बंधुत्व दिगरे आउ एक पाद आगकु भारत। तृतीय विश्वर नेतृत्व नेब भारत। G7 सम्मेलनी रे विकासशील देश मानंकु विभिन्न प्रसंगे प्रधानमंत्री आह्वान। वैश्विक विकास दिगरे भारत सहयोगिता आहुरी सुदृढ़। जर्मानी रे G7 शिखर सम्मेलनी रे भाग नेबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्तर तृतीय दिन में यूएई रे पहुंची छंती। सेठारे प्रधानमंत्री यूएई रा राष्ट्रपति तथा आबुधाबी रा शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहंक सहित साक्षात आलोचना करिछंती। अवसर रे यूएई रा परलोकगत पूर्वतन राष्ट्रपति तथा आबुधाबी रा पूर्वतन शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहंक श्रद्धांजलि जणाइबे प्रधानमंत्री। देशरे निकटरे प्रॉफेट मोहम्मद को नहीं होइतिबा विवाद परे प्रधानमंत्री मोदींकर कोनोसी इस्लामिक देशकु या प्रथम गस्त। तेबे पूर्वरु प्रधानमंत्री तीन थर यूएई गस्त करिछंती। इस्लामिक देशगुडिक सहित भारतर संपर्क खराब होइछि बोली जेउ अपप्रचार हेउतिला ता उपरे पूर्णच्छेद पकाइछि मोदींकर एई गस्त। विशेष भाबरे प्रधानमंत्री मोदींकर समयरे दुई देश मध्यरे व्यावसायिक संपर्कर अभिवृद्धि घटिछि। यूएई भारतर तृतीय बृहत व्यावसायिक अंशीदार अटे। जर्मनी गस्त समय रे प्रधानमंत्री विश्वर बहु नेतांकु साक्षात करछंती। शिखर सम्मेलनी रे विश्वर बहु समस्यार स्थायी समाधान दिगरे अनेक उपयोगी वार्ता देइछंती प्रधानमंत्री। एहा सहित विकासशील देश माने विकसित देश मानंकु साथ देबाकु आह्वान देइछंती एवं भारत विश्व शांति और सुरक्षा दिगरे समस्त विकासशील देश को सहयोग करिबा पाई सदा सर्वदा प्रस्तुत रहिछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। सम्मेलनी रा दुईटी अधिवेशन रे जलवायु ऊर्जा परिवेश खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य लिंग समानता परि विषय को नहीं प्रधानमंत्री निजर मत रखिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।